मोदी सरकार रेलवे बुलेट ट्रेन के सपने संजो रही है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनों का भी सही से संचालन नहीं कर पा रही है। मुंबई में माटुंगा स्टेशन पर कल यानी शुक्रवार रात भीषण रेल हादसा हो गया। हादसे में दादर पुडुचेरी एक्सप्रेस के तब पटरी से उतर गए जब गटक एक्सप्रेस के इंजन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। मध्य रेल के एक अधिकारी ने बताया कि ये घटना रात करीब 10:45 हुई और इसमें किसी के भी घायल होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। काफी पैसेंजर तो उतर के चले गए हैं, जो यहाँ स्टेशन पे हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं, उनकी पूरी खातिरदारी की जाएगी, उनको अभी चाय और स्नैक्स। अधिकारी ने बताया कि दादर पुडुचेरी एक्सप्रेस दादर टर्मिनस के प्लेटफॉर्म 7 से डाउन फास्ट लाइन पर प्रवेश कर रही थी, तभी रात करीब 9:30 रवाना हुई गडक एक्सप्रेस ने उसे एक क्रॉसिंग पर पीछे से टक्कर मार दी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि पटरी से उतरने से पहले दो एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे आपस में भिड़ गए। ऐसा होने पर यात्रियों में दहशत मच गई। 3 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के नासिक के पास लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस पवन एक्सप्रेस के करीब 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 13 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मैनगुड़ी इलाके के पास बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। 20 सितंबर 2021 को इटावा में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 9 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कोयले से भरी मालगाड़ी निगौरा रेलवे स्टेशन के पास अलाना नदी के पुल पर हादसे का शिकार हो गई थी। 22 अप्रैल 2021 को बरेली शाहजहांपुर के पास लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन ने क्रॉसिंग पर कुछ वाहनों को टक्कर मार दी थी। 18 मार्च 2021 को दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर जनशताब्दी स्टेशन पहुंचने से पहले ही अचानक उल्टी दिशा में चलने लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।